हेलो नमस्कार सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैनू बाइक पर आज यहाँ पर अपन रिव्यू करने वाले थे ऑनली 2023 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू ईस्ट इंडिया का रॉयल एनफील्ड कोलकाता जिन्होंने मुझे ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया तक लाने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहते हो हावड़ा हुगली कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली जो शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट ले सको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। और इस वीडियो के दौरान मैं इस मोटरसाइकिल का फुल डिटेल वॉकअराउंड भी आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा 2023 में इस मोटरसाइकिल में कितने वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, कितना कलर स्कीम आपको देखने को मिलेगा, कितना प्राइसिंग आए एंड क्या क्या मेजर अपडेट्स कंपनी ने इस बार इस मोटरसाइकिल में किए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते से की से कि यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ आपको वेव की देखने को मिलती है फिलहाल डिस्क्रिप्शन में अभी। एंड अभी बात करते हैं कलर्स प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की, तो इसमें टोटल आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक मिड वेरिएंट, एक बेस वेरिएंट और आपका टॉप वेरिएंट। तो बेस वेरिएंट जो आपको उसमें आपको पीछे ड्रम देखने को मिलता है सिंगल चैन ABS, पर्टिकुलर ये वाला वेरिएंट आपका मिड वेरिएंट है जिसमें आपको डुअल चैन ABS विद डुअल डिस्क देखने को मिलेगा। बस एक डिफरेंस जो आपका उसमें आपको क्रोम पार्ट ज़्यादा यूज़ किया गया है एंड टॉप वेरिएंट जो उसमें आपको फुली ब्लैक टॉप इंजन देखने को मिलता है एंड डुअल चैन ABS देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगर कलर की बात करूँ तो टॉप वेरिएंट में एक ही कलर आता है आपका ब्लैक गोल्ड, मिड वेरिएंट में आपको दो कलर देखने को मिलता है, बेस वेरिएंट में आपको दो ही कलर देखने को मिल जाएगा। मिड वेरिएंट में ये आपका एक कलर है आपका मेरून ब्लैक कलर एंड दूसरा कलर आपका मेरून रेड कलर, और जो आपका बेस वेरिएंट उसमें आपको दो कलर देखने को मिलता है मिलिट्री ब्लैक एंड मिलिट्री रेड। तो बाकी सभी कलर्स का फोटो जो आपको स्क्रीन को दिख रहा होगा। एंड अगर बात करूँ उसको प्राइसिंग की, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ उसके एक शोरूम प्राइस की, तो जो बेस वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 1,73,562 रुपीस, मिड वेरिएंट का प्राइस है 1,97,436 रुपीस एंड जो आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 2,15,801 रुपीस। तो अगर ऑन रोड जाना तो डेफिनेटली शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलते इसके रिव्यू की तरफ, इसका जो इग्निशन ऑन करता हूँ, तो इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको दो पायलट लैंप यहाँ पे ये ऑन है एंड इसको ऊपर आपको मैं थोड़ा ऑफ करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, हेडलैम्प जो आपको क्लासिक 350 का ही हेडलैम्प यहाँ पे आपको वो देखने को मिलता है एंड इसका थ्रू आपको जब एग्जॉस्ट नोट सुनूंगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद आपको जो है क्रोम का फाइजर यूज़ किया गया, इंडिकेटर आपको नए वाले देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इंडिकेटर्स दिया गया, इंडिकेटर्स के ऊपर भी यहाँ पे आपको जो है क्रोम का पार्ट यहाँ पे यूज़ किया गया। फ्रंट का नंबर आपको यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी लोग को ये लगता है कि यहाँ पे आपको USB देखने को मिलता है लेकिन ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिल रहा है आपको। तो मैं सर घुमाओ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको जो 300mm का मैसिव डिस्क देखने को मिलता है बाइबर के कैलिपर के साथ, यहाँ पे ABS रिंग भी देख सकते हो, तो यहाँ पे डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बात करूँ सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 190x19 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, तो स्पोक टायर तो डेफिनेट आपको ट्यूब टायर ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको C8 जूम प्लस का फ्रंट टायर देखने को मिलता है एंड टायर पैटर्न आपको जैसा देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर इसमें मेटालिक ब्लैक कलर है, इसमें आपको ग्लिटरी इफेक्ट भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट का लुक देखने को मिलता है। इस तरह से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है एंड डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल रहा है। एक बार मैं इंडिकेटर चला कर दिखा दूँ, तो इसमें आपको हैजार्ड इंडिकेटर्स कंपनी की डेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इसमें करते हैं ऑफ एंड फ्रंट वाइजर की बात करो तो फ्रंट फेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर भी आपको ग्लिटरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा साइड की तरफ चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उस साइड से दिखा दृष्टि थोड़ा कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका क्रैश गार्ड है ये आपको एक्सरसाइज के दौरान लगवाना पड़ेगा, बाकी जैसा आपको बाइक दिख रहा है एज इट इज़ आपको बाइक देखने को मिलेगा, आपको एक्सरसाइज के दौरान लगवाना पड़ेगा। नीचे आपका इंजन बेस प्लेट भी दिया गया, यहाँ पे सिंगल पीस हॉर्न दिया गया एंड यहाँ पे देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का लोगो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइड से चलो तो यहाँ पर देख सकते हो आपको टैंक में रॉयल एनफील्ड का लोगो जैसा कि बुलेट 350 आपको देखने को मिलता है, तभी वाला लोगो यहाँ पे दिया गया। इंजन आपको वही नया वाला इंजन देखने को मिलता है जो JSS इंजन जो कि अपने मीटियोर क्लासिक एंड हंटर में देखने को मिलता है, वही वाला इंजन इसमें भी आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बुलेट 350 का जो ब्रांडिंग यहाँ पे वो दिया गया क्रोम येलो एंड रेड कलर के ब्रांडिंग कलर के साथ, साइड पैनल आपको ब्लैक देखने को मिलता है, उसके ऊपर गोल्डन का जो स्टिकरिंग यहाँ पे वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साइड बॉक्स साइड पैनल ओपन करने का की होल दिया गया एंड यहाँ पे देख सकते हो टैंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइक E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करेगा, तो इसमें नॉर्मल फ्यूल डाल के भी चला सकते हो, E20 फ्यूल डाल के भी चला सकते हो। अगर मैं बात करूँ टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, 30 से 35 km का माइलेज ही मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड करके दे देगी। अगर तो टैंक का कैप जो यहाँ पे वो चेंज किया गया, टैंक की बात करो तो यहाँ पे फुल मेटल का टैंक दिया गया, इसके ऊपर जो ईट स्टिकरिंग देख रहे हो आप
तो जो लाइनअप देख रहे हो ये फुली हैंड मेडेड है। जैसे कि पहले बुलेट बनाता था कि स्टिकरिंग हैंड से बनाया जाता था, हाथों से बनाया जाता, कोई मशीन नहीं बनाता था। वैसे अब भी ये स्टिकरिंग जो ये जो लाइनअप है ये पर्सन ही बनाता है, कोई मशीन नहीं बनाता है। ये कलर देखते हो कॉपर कलर टाइप देखने को मिलता है, टैंक पर ग्लिटरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो 5-speed गियरबॉक्स दिया गया, यहाँ पे 12-inch शिफ्टर दोनों ही आपको देखने को मिल रहा है। सीट की तरफ जो सीट आपको नया सीट देखने को मिलता है, और यहाँ पर टूरिंग सीट है, ये भी आपको एक्सेसरीज के दौरान लगने देखने को मिलेगा। अब आपको रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर सीट जो काफ़ी ज़्यादा कुशन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर टूरिंग सीट ऐसे देखने को पता चल रहा है और टूरिंग सीट दिया गया। अब आपको एक कुछ अगर लेके जाना हो, कोई बैग या फिर कैरी करना हो, तो उसके लिए जो होल्डर यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल रहा है। इस साइड से बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको साड़ी का देखने को मिलता है, लेडीज़ फुट ट्रस्ट एंड यहाँ पे पीलियन का फुट पैक एंड यहाँ पे राइडर फुट पैक रॉयल एनफील्ड का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको चेन सीट जो है आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। आपकी पहला जैसे कि जेसीज इंजन से पहले जो बाइक आता था बुलेट, उसमें आपको राइट साइड में चेन देखने को मिलता था। जेसीज आने के बाद ज़्यादातर अभी सभी रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में जो चेन सीट है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ चुका है। आपको मेन स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों ही ऑफर किया गया, साइड स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वो दोनों ही देखने को मिलता है। पीछे का पार्ट की बात करो तो यहाँ पर आपको सेम बुलेट का जैसे कर्व अगर नीचे आता था वही वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया। रेयर की तरफ यहाँ पर आपको छोटा सा ग्रैबरेल देखने को मिल जाएगा। बाइक में उस साइड से दिखा दूँगा, इस साइड से आपको बाइक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फुल्ली क्रोम में जो आपका एग्जॉस्ट निकला हुआ है, यहाँ पर कैटलिक कन्वर्ट देखने को मिलता है, रियर ब्रेक लीवर देखने को मिलेगा, आपको राइडर फुटपैक देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे तो फुल्ली सिल्वर कलर में क्रोम में आपको जो इंजन दिया गया, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो दिया गया है। जैसे इंजन है तो इसका जो साउंड है वो आपको मैं ज़रूर बाद में सुनाऊंगा। अगर मैं चलूँ इसके इंजन की तरफ तो यहाँ पे इंजन जो है नया इंजन मैंने बताया जैसे इंजन है, तो यहाँ पे आपको 349cc एयर कूल्ड BS6 फेज 2 फ्यूल इंजेक्टेड SOSC OBD2 वाला इंजन देखने को मिलता है। एंड अगर पावर फिगर्स की बात करो, पावर फिगर्स एंड टॉर्क दोनों में चेंजेस हुए हैं इस बार। इसमें अब आपको 20.1 PS का पावर मिलता है, जबकि पहले 19.1 PS का पावर देखने को मिलता था। एंड अगर टॉर्क की बात करो तो पहले आपको 28 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है 27 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिलता है। 5-speed गियरबॉक्स मैंने पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लच यहाँ पे क्लच का वायर दिया गया है। यहाँ पे आपको इंजन देख सकते हो, यहाँ पे स्पार्क प्लग दिया गया है। यहाँ पे आपको साइड पार्ट यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इस साइड में भी आपको सेम की होल दिया गया है। यहाँ पे बुलेट 350 का लोगो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग सेम लेफ्ट साइड में जैसे दिखा मैंने वही वाला सेम यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। एंड एग्जॉस्ट देख सकते हो तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया गया है, एंड ये एग्जॉस्ट वही है जो हमें क्लासिक में देखने को मिलता था। बस एक डिफरेंस है मिड और टॉप वेरिएंट में, मिड में आपको ये पार्ट जो फुली क्रोम में देखने को मिलता है, टॉप वेरिएंट में जो आपको फुली ब्लैक आउट देखने को मिलेगा। अगर रियर सेट की तरफ चलो तो यहाँ पे आपको एक सौ बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म दिया गया है। यहाँ पे क्रोम में ट्विन शॉक अब्जर्वर्स दिया गया दोनों साइड पर, जो कि डेफिनेटली 6-step एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे ये 6-step एडजस्टेबल है। रेयर टायर एंड रेयर डिस्क की अगर बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेयर में आपको 120x80x8 का रेयर टायर देखने को मिलता है, जबकि पहले 110 या फिर 100 सेक्शन का टायर आपको कुछ देखने को मिलता था। एंड अगर डिस्क की बात करो तो रेयर में आपको 270mm का रेयर डिस्क देखने को मिलता है। डुअल चैनल ईबीएस यहाँ पे ईबीएस रिंग भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बाइब्रेकर कैलिपर यहाँ पर रेयर में यूज़ किया गया है, तो बाइक जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। एंड टेल सेक्शन की बात करो, एक बार मैं आपको टेल सेक्शन भी दिखाता हूँ ऑन करके, तो टेल लैम्प भी आप देख सकते हो, आपको क्लासिक वाला टेल लैम्प दिया गया है, हैजार्ड इंडिकेटर्स है। रियर नंबर आपको यहाँ पे फिट होगा, नंबर प्लेट लाइट डेफिनेटली आपको हैलोजन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ से निकल रहा है। एंड यहाँ पे क्रोम पार्ट यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपका रॉयल एनफील्ड का लोगो, यहाँ पे आपको बुलेट लिखा हुआ है। इसमें अभी ऑफ करते हैं, ठीक है, इसमें भी ऑफ कर देते हैं। बाइक कुछ पीछे से ऐसा ओवरऑल लुक निकल रहा है। एंड अगर मैं बात करते डायमेंशन की तो यहाँ पे आपको जो है 170mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, 805mm इसका सीट हाइट देखने को मिलेगा, एंड 195kg इसका कर्व वेट आपको देखने को मिल जाएगा। तब चलते इसके हैंडल बार मीटर कंट्रोल की तरफ, तो यहाँ पे मिरर देख सकते हो राउंड शेप में आपको मिरर देखने को मिलता है, तो मिरर्स भी आप यहाँ पे फुली क्रोम डॉट मिरर यहाँ पे दिया गया। हैंडल बार आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फुली क्रोम में इसका हैंडल बार दिया गया, एंड फ्रंट ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर। स्विच गियर आपको वही देखने को मिलता है जो कि ज़्यादातर अभी सभी रॉयल एनफील्ड के बाइक में देखने को मिलता है, वही स्विच गियर जो कि हंटर में, क्लासिक में, मीटियोर में, अभी तक कि GT और इंटरसेप्टर में भी आपको ये वाला स्विच गियर देखने को मिलता है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉकेट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो आपको USB चार्जिंग पॉकेट भी कंपनी इस बार दे दिया है, ठीक है। तो अभी चल इसके मीटर कंसोल की तरफ, मीटर कंसोल भी काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। पहले जो आता था यहाँ पे आपको फुल्ली सेमी जो
मीटर कंसोल था आपको एनालॉग देखने को मिलता था, लेकिन अब जो इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दे दिया है। इसको अभी ऑन करते हैं, ऐसा आपको स्वाइप लेगा ये, ठीक है। आपका स्पीडोमीटर यहाँ पे गया, पूछ आपका न्यूट्रल का लाइट यहाँ पे देख सकते हो, इंडिकेटर का सिग्नल यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका हाई बीम का सिग्नल, बैटरी यहाँ पे, ABS का लाइट, इंजन मैन फंक्शन, यहाँ पे रिजर्व लाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका जो है फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विच देगा डेडिकेटेड, यहाँ पे देख सकते हो, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ एंड यहाँ पे टाइम, और फिर से जो आपको ओडो का ओडोमीटर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका सर्विस रिमाइंडर भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के दौरान अगर आप चाहो तो इसमें ट्रिपर भी लगवा सकते हो, नेविगेशन ट्रिपर। अगर नहीं चाहो तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बुलेट 50 का ब्रांडिंग वाला ये लोगो जहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब चलो इसके एग्जॉस्ट नोट की तरफ, एग्जॉस्ट नोट सुना के हेडलैम्प दिखा के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो इसका हेडलैम्प आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो, इसका हाई बीम, इसका लो बीम एंड ये पास, ठीक है। तो अब चलो इसके एग्जॉस्ट नोट की तरफ। यही था 2023 बुलेट 350 का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। और इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफ्रेशिंग लगा पुराने वाले बुलेट से। तो यही था बुलेट 350 मिड वेरिएंट का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। अगर तक वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।